अच्छा व्यूवर्स, बिल आखिर फाइनली मैंने वो फाइंड कर ली जगह जहाँ से इब्न बतूता ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था और जहाँ पे उनकी कब्र भी है। ये देखिए ये बिल्डिंग है। ये जी हम लोग उतर गए टैक्सी से सामने, और ये सामने ये देखिए सूरज अभी भी निकला हुआ इस तरफ, और ये देखिए ये नज़ारे देखिए तंजीर सिटी की, ये नज़ारे देखिए सामने, ये गाड़ियों की पार्किंग और ये शहर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और वेलकम बैक जी अगेन मोरक्को से। आज हम लोग यहाँ पे टेंजीर अभी पहुँचे हैं, और आज जो एक्सप्लोर करेंगे टेंजीर को। और यार ये तो फर्स्ट इम्प्रेशन ही ज़बरदस्त लग रहा है टेंजीर का भी। हम लोग ये पीछे आप देख सकते हैं ये ट्रेन स्टेशन है कासाब्लांका से, यहाँ पे आए 2 घंटे बाद पहुँचे, मौसम ज़बरदस्त। और ये आप देख लो यार, ये आते ही जो वाइब्स है ना, तो बस ये तो कासाब्लांका से भी आगे की चीज़ लग रही है। तो अभी हम लोग एक्सप्लोर करने वाले, स्टार्ट करने वाले आज के डे को। अभी जा रहे हैं, हमने हॉस्टल किया हुआ है सिर्फ $10 पर पर्सन, और वहाँ जाके देखते हैं कि इसमें चेक इन करते हैं। और ख़ूबसूरत शहर है यहाँ, ये इब्न बतूता का शहर है राइट, और इब्न बतूता यहाँ पैदा भी हुए थे और यहीं पे वो उनकी खबर भी है, तो उसमें भी जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे एक एरिया है जहाँ से स्पेन और जिब्राल्टर भी नज़र आता है, तो उस पॉइंट पर भी जाएंगे। ये बीच सिटी है, तो आइए और हमारे साथ इस सफ़र में हमारा साथ दीजिए। ये हम अपने हॉस्टल के लिए टैक्सी कर रहे हैं, यहाँ पे टैक्सियों का कलर जो है ग्रीन होता है, और तकरीबन टैक्सियाँ याद रखिए मराकश में सस्ती है बहुत। ये तकरीबन $4 में हमने की हुई है, 5 किलोमीटर का रास्ता है, और अभी हम लोग जो है ना ये टेंजीर में जो है ना इसको एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएँगे लम्हा ब लम्हा, अपडेट्स देंगे। नो अरबिया अरबिया फ्रेंच यू स्पीक? फ्रेंच यस फ्रांसा यस। यहाँ पे यार फ्रांस और अरबी के अलावा इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती। स्पानियोल नो, तुर्किश यस, तुर्किश इंग्लिश जीपीएस दे दो इसको। बड़ी बड़ी कुशादा सड़कें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, और बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स है, साफ सुथरा कुल्ला शहर है। ये देखिए आप अंदाज़ा करो यार इसका। ये देखो जी अंदाजा करो यार, ये हिल्टन गार्डन इन, मुझे तो एक सरप्राइज दिया है इस शहर ने यार। के साथ ही कॉलेज भी आ गया। हाँ जी जी, हमारा हॉस्टल भी बीच के साथ ही है। ये सामने देखिए ये बीच सिटी है, बादल देखो नीला आसमान, और यहाँ से अभी हमें स्पेन और जिब्राल्टर भी नजर आएगा कुछ ही देर के बाद। लेकिन ये खुद यूरोप से कम नहीं है, ये सिटी यूरोप पे स्पेन या उससे कम नहीं है। अंदाजा करें यार,
ये जी हम लोग उतर गए टैक्सी से सामने, और ये सामने ये देखे सूरज अभी भी निकला हुआ इस तरफ, और ये देखे ये नज़ारे देखे तंजीर सिटी की, ये नज़ारे देखे सामने ये गाड़ियों की पार्किंग, और ये शहर, और उस तरफ ये समंदर, और इस तरफ हमारा हॉस्टल है। अभी हम हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन नाकाबिल यकीन नज़ारे है भाई यहाँ पे, बिल्कुल जैसे हम कोई पुर्तगाल या स्पेन के किसी शहर में आए हों, ऐसे व्यूज़ है। अच्छा जी, वेलकम ऑफिशियली टू तंजीर सिटी इन मोरक्को। अभी अभी हमने अपने हॉस्टल में चेक इन किया है, और ये नैरो स्ट्रीट्स आप देख सकते हैं, इसके अंदर हम वॉक कर रहे हैं। और चेक इन करने के बाद आपको हॉस्टल नहीं दिखा सके क्योंकि भूल गया मैं ना, असल में जल्दी में हम लोग बाहर निकले क्योंकि शाम होने वाली है, तो हमने कहा थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। इब्ने बतूता के शहर में आ चुके हैं, उसके म्यूज़ियम भी जाएंगे, और बाकी भी यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए, तो आइए चलते हैं। एक्चुअली दो इलाके हैं, कैफ़े सेंट्रल और ओल्ड मदीना, और कस्बा जो एरिया है ना, अभी तो हम ओल्ड मदीना में हैं। ये देखो सुवेनियर्स, ये नैरो स्ट्रीट्स है भाईजान, बिल्कुल ग्रीस की याद दिलाती है आपको। If you want to see, go make a little tour if you want. Is it free? Okay. It's free. It's free. You're getting me in trouble, my friend. No, I don't got you trouble, man. अच्छा व्यूअर्स, बिल आखिर फाइनली मैंने वो फाइंड कर ली जगह जहाँ से इब्न बतूता ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, और जहाँ पे उनकी कब्र भी है। ये देखिए ये बिल्डिंग है, मज़ार, तो हम मज़ार पे पहुँच गए, और ये बिल्कुल रेंडम एक जगह पे है, यहाँ पे तंजीर के अंदर बहुत नैरो स्ट्रीट से गुज़र के यहाँ पर मैं आया हूँ। ये वो बंदा है जिसने यहाँ से तंजीर सिटी से ट्रेवलिंग स्टार्ट की 700 साल पहले, और एक ही ट्रिप में 24 साल ट्रैवल किया, उसके बाद 30 से ऊपर कंट्रीज़ को विज़िट किया, उस ज़माने में जब ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस और चैलेंजिंग थी। तो सलूट टू दिस गाय, अभी पता नहीं किस हाल में होगा, लेकिन ये है कि हमें जो है ना यहाँ पे नैरो स्ट्रीट्स में आके बड़ी खुशी हुई है। अभी ये हमें पता नहीं ये ओरिजिनल है या नहीं है, लेकिन जितने इशारे थे वो इधर गए हुए थे, और इस पर फाइनली हम लोग पहुँच गए। अच्छा है तंजीर सिटी में भाई घूम रहे हम लोग, ये बाज़ार आ गया है चलते चलते, ये आप देख सकते हैं फ्रूट और सब्ज़ी की दुकान है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये फ्रूट है। ये क्या है, मैंगो है? हाँ मैंगो है, और ये देखिए एवोकाडो भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, और अमलुक
अवोकाडो का पूछो कितने का है? कम थर्टी यानी $3 का किलो है, बहुत चीप है यार, ये बहुत टेस्टी है। ये देख लो इस तरह की दुकान है। मरहबा 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 ला फैमिली इसम इसम मुराद मुराद नाइस टू मीट यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू। ये स्ट्रीट आ गई ना अभी सही वाली। कस्बा तो डाल देंगे। मेरे ख्याल से ये वो कैफे सेंट्रल है, ये कैफे सेंट्रल है। अच्छा व्यूअर्स, ये तंजीर के अंदर सामने पूरा एक बड़ा पार्क बना हुआ है और इस तरफ ये देख सकते हैं टूरिस्ट और खूबसूरत मार्केट्स, एक एक गली अंदर गई हुई है, छोटी छोटी मार्केट्स है। और ये लोकल्स भी है टूरिस्ट भी है, ठीक है। ये खूबसूरत फ्रूट्स की दुकान है और सुवीनियर्स हैंडीक्राफ्ट वगैरह तमाम चीज़ों की यहाँ पर आपको। ये आर्किटेक्चर आप देख लो, इतना खूबसूरत है कि आप हैरान हो जाते हैं, और इंतहाई खूबसूरत। ये इस तरह के गेट्स यहाँ पे आपको जगह जगह नज़र आएंगे तंजीर के अंदर। मराकश के अंदर ये जो मीनार्स है ना सामने, भी आपको एक मस्जिद बड़ी नज़र आ रही है, ये भी यहाँ की एक मशहूर मस्जिद है। और इसका मीनार आप देखो तो कासाब्लांका में जो हमने हसन टू का जो मस्जिद देखा था उस तरह है। ये बहुत डेवलप्ड है यार, ये शहर बहुत खूबसूरत और डेवलप्ड सिटी है। ये देख लो, इसको कैफे सेंट्रल कहते हैं इस एरिया को। ये टॉप के ऊपर जो है ना वाकया है, यहाँ पे लोकल्स काफ़ी तादाद में यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। जस्ट दोस्तों शाम होने वाली है अभी ऑलमोस्ट, बस लाइटें जो है ना लोग लगा चुके हैं और यहाँ की गहमी अभी आपको दिखाएंगे शाम की। यहाँ पर मैं कासाब्लांका से आया हूँ लेकिन मुझे मैं सरप्राइज़ हुआ हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है। आप देख सकते हैं वीडियो में कासाब्लांका से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है। कासाब्लांका में तो इक्का दुक्का टूरिस्ट नज़र आते थे ना, लेकिन यहाँ पे आप देख लो रश देखो। ये देखो जी कितनी खूबसूरत स्ट्रीट्स और लोग और ये सारे मामलात। मोरक्को का यहाँ का ड्रेस है, ये दिखाएं, ये लोकल इनका ड्रेस है, टोपी इस तरह की पहनी होती है। और मर्दों के ड्रेसेस जो है इस शॉप में आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ये वाला देखो वन बाय वन ब्रो, ये जो है ना वो है सुवेनियर शॉप है। थोड़ा सा यहाँ पे एहतियात करने की ज़रूरत पड़ती है कि लोग जो है ना आपको ज़्यादा प्राइस पे भी चीज़ें दे सकते हैं ना। ये मशहूर एरिया है, सबसे मशहूर एरिया है यहाँ पे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स के लिए। इसका नाम है कैफे सेंट्रल। कैफे सेंट्रल इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे वो डिज़ाइन थीम कैफेज़ है और लोग यहाँ पे आके, लोकल लोग भी आते हैं और
टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे, खाना भी खाते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, क्योंकि इनके अपने कॉफ़ीज वगैरह जो है बहुत मशहूर है मोरक्को की, और फूड भी बहुत मशहूर है बाय द वे यहाँ पर जो मोरक्को है ना। बंदा ये एरिया कह रहा था। अच्छा, कैफे सेंटर ये है जो आपको सारे कैफेज नजर आएंगे। अच्छा व्यूअर, चलते चलते ये बाज़ारों में हम इधर आए हैं, यहाँ से ये व्यू है समंदर का, और यहाँ पे पोर्ट भी है नज़र आ रहा है इधर से, और वो पहाड़ी एरिया है क्योंकि ये जो सिटी है ना तंजियर, यहाँ पे तकरीबन 30 किलोमीटर समंदर में आगे से स्पेन और जिब्राल्टर भी नज़र आते हैं। यहाँ से अभी नज़र आ रहा है लेकिन थोड़ा सा धुंधला होगा क्योंकि अंधेरा है, लेकिन ये कि आपको मैं दिखा दूँगा, सुबह दिखा दूँगा अगर विजिबल हुआ तो। ये वो पॉइंट है जहाँ से आप यूरोपियन यूनियन को देख सकते हैं क्योंकि अफ्रीका का आखिरी कॉर्नर है ये। इटली में फिजलैंड में बहुत वेलकम बैक दोस्तों, ये भी शाम का टाइम है, मतलब रात का टाइम है, और रात के ये नज़ारे हैं आप देख लो कि रात को क्या रौनक है लोगों का। ये रेस्टोरेंट्स ओपन हैं, लोग फूड इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे तंजियर सिटी के अंदर। वाह, ये बंदे क्या बोल रहे हैं, रे चार्ली, वाह वाह, हेलो वाह, हेलो, वालेकुम सलाम। अच्छा, दिन से ज़्यादा इसका रात में मज़ा है, लाइटिंग इसको मज़ीद खूबसूरत बना देती है। ये देखिए हैंडीक्राफ्ट्स और सुवेनियर की शॉप्स। अच्छा, शाम के टाइम दोस्तों हम ये भी आए हुए खाना खाने के लिए, एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है मुराकश का, यहाँ पे बिल्कुल घर जैसा ट्रेडिशनल फूड मिलता है। अभी आपको इसकी प्राइस भी दिखाते हैं और ये खाना भी दिखाते हैं। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है और ये रेस्टोरेंट है, ये बिल्कुल देखो घर जैसा माहौल है, ये सारे फ्रूट और सब्ज़ियाँ वगैरह रखी हुई, ये सारी इज्जा है यहाँ पर तैयार होता है। ये देखिए हेलो, ये बिल्कुल घर जैसा माहौल है, ये देखें। अभी हम लोग आपको दिखाते हैं कि कैसे डिश है। अच्छा व्यूअर्स, ये ट्रेडिशनल फूड ये इनका आ गया है, ये प्लेटर है बिल्कुल सब्जी का, और ये मेरे भाई का जो है ना चिकन प्लेटर है, तजीन, इसको तजीन कहते हैं यहाँ पे, और ये इनका ट्रेडिशनल लोकल डिश है। ये देख सकते हैं रेस्टोरेंट में लोग बैठे हुए, और ये तकरीबन $5 का है, 50 यहाँ के दरहम का। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं और फिर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं।